Good morning, dear students. Today we will talk about landforms. First of all, I will tell you what is landform. Landform is a natural feature of Earth's surface. यानी धरती की जो कुदरती विशेषता है, धरती की ऊपरी सतह को landform बोलते हैं. तो वो कितने प्रकार की होती है? How many types of landforms? First is a mountains. What are mountains? A mountain is a landform that reaches a high elevation. धरती का जो लैंड का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, that is called mountain. Next is a hills. What is a hill? Hill is a naturally raised area of land, not as high as mountain. You can see hills are not as high as mountain. Hills वो एरिया होता है धरती का उठा हुआ वो एरिया है जो के माउंटेन से ऊंचा नहीं होता, right? Next is a valley. What is a valley? Valley is a low area of land between hills or mountain. Valley जमीन का वो वाला एरिया है, नीचे वाला वो एरिया है जो माउंटेन्स और हिल्स के बीच में होता है. सो लास्ट इज अ प्लेन्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ. व्हाट इज अ प्लेन? अ प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड. जो सीधी जमीन होती है उसको प्लेन्स एरिया बोला जाता है. प्लेन्स आर वन ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ. दे कवर्स मोर देन वन थर्ड वर्ल्ड्स लैंड एरिया. ये जमीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि वन थर्ड पार्ट इसका जो है वो प्लेन्स ने कवर किया हुआ है. ठीक है, थैंक यू.